लेवल पे चलाया जाए, जिस लेवल के लिए बनी है बाइक और जिस लेवल के लिए ली है मैंने ये, तो वो मौका जल्द ही आएगा। और इसी वाले हाईवे पे हम लोग इसको मे बी जो उसकी जो टॉप स्पीड है ना गाइस, वो एक बार टेस्ट ज़रूर करेंगे। मतलब जितना मैं इसको चला रहा हूँ ना, जितना मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ ना भाई, वो गाइस वो इतना ज़्यादा खतरनाक है ना। सो ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बिल्कुल ख़तरनाक। और सामने खड़ी अपनी RC 200 गाइज, और क्या ही ज़बरदस्त लुक के साथ गाइज। अभी जस्ट मैं आया हूँ इस वाले हाईवे पे, ये हाईवे दूसरा वाला है जिस पे हम लोग रेगुलर जाते हैं। एक बार 360 व्यू देख लीजिए अपनी RC 200 का, क्या ही ज़बरदस्त टेल लाइट के साथ। और जो टायर का जो सेगमेंट है ना गाइज, जो परफॉर्मेंस देता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और आगे सबसे ख़ास चीज़ जो इसको बनाती है ना, इसके ये वाले जो DRLs है ना गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं एकदम। तो अपनी कुछ किलर बीस्ट इस तरीके की है, और आज थोड़ा सा इसको पुल अप करेंगे। पहले पहन लेते हैं हम लोग ग्लव्स, और अच्छा खासा ठंडा हो चुका है मौसम, बहुत ही ज़्यादा ठंडा जिसे कहना चाहिए ना। और आगे बस अपने को फॉग वगैरह ना मिले। और ये वाला जो हाईवे है ना, थोड़ा सा आगे जाके बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहना चाहिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली है इस पे आपको, क्या ही बात है। अच्छा बेसिकली होता क्या है, जो मैं जिस हाईवे पे जाता हूँ ना, जो दिल्ली हरिद्वार वाला जो हाईवे है ना गाइस, उस पर होता क्या है, इस पर ना आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको इतनी बस हल्की फुल्की सी भीड़ दिखाई दे रही होगी, अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ही भीड़ ये ख़त्म होने वाली है। मतलब ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा कुछ आपको गाड़ियाँ वगैरह चलती हुई नहीं दिखाई देंगी। बस थोड़ा सा ये है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ चल रहा होगा वहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिल ही जाती है। सो मिरर सेट, दोनों मिरर सेट हैं जिससे कि पीछे की विजिबिलिटी भी आपको दिखती रहे कि किस तरीके से व्हीकल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को रहती हैं। सो देखते हैं कितनी भगा सकते हैं, क्योंकि अभी 100 बिल्कुल मैं 100 टच तो कर सकता हूँ, लेकिन गाइस उसमें यह है ना कि ज़्यादा मैं स्पीड में नहीं ले जा सकता, क्योंकि अभी न्यू बाइक है, फर्स्ट सर्विस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैसे ही फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका रिस्पांस लगता है। और ओवरऑल जो पावर है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। जो MotoGP ट्रैक एडिशन कहते हैं ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अलग इसका एक जो कहना चाहिए ना परफॉर्मेंस है, हर चीज़ मतलब सब कुछ डिफरेंट लेवल है गाइस, बिल्कुल एकदम बढ़िया। मतलब जितना मैं इसको चला रहा हूँ ना, जितना मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ ना भाई, वो गाइस वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है ना पावर। हल्का सा अगर मैं पुल अप भी करता हूँ ना, ये देखो आप, क्या बात है। मतलब 80-90 ना ये चुटकियों में जाती है गाड़ी, है चुटकियों में जिसे कहते हैं ना, लेकिन फिर उसी हिसाब से ना इस गाड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल है गाइस। मतलब सडनली आपके सामने कोई भी व्हीकल्स वगैरह आता है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आता है ना, जिसकी वजह से ना गाइस इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है उस टाइम। मेरे लिए तो देखो हो जाती है हैंडल करना, क्योंकि एकदम से सडनली अगर कोई आ जाता है ना सामने, और उसको देख के थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है। और फिर इसके प्लस जो ब्रेकिंग वाला है, तो कभी कभी तो ब्रेकिंग मतलब दोनों तरीके से सेफ है ब्रेकिंग सिस्टम इसका, ABS को आप ऑफ करके चला सकते हो, चाहे ABS को ऑन करके चला सकते हो। तो मैं तो सिटी में कहूँगा, सिटी में और थोड़ा सा हाईवे वगैरह पे आप ABS को ऑन करके ही चलाइए, क्योंकि भैया देखो कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ABS को ऑफ़ कर देते हैं फिर बाइक को राइड करते हैं, तो वो चीज़ देखो ना कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ABS का जो जितना फ़ायदा है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का, क्योंकि आपको एक परफेक्ट ब्रेकिंग मिलती है इसमें, और इतनी ख़तरनाक वाली जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना गाइस, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी तो मेरे को लगता है कि अगर मैंने इसका आगे वाला ब्रेक अच्छे तरीके से मार देना है तो गाइस, तो पता है क्या होता है,
मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉप ही एकदम से हो जाएगी गाड़ी, और वहीं पे ही इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कातिल लगती है मेरे को इन मामलों में। सो चलो भगाते हैं एक बार, मैक्स भगाने की कोशिश करेंगे कि कितनी हम इसको चला सकते हैं। ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सही चीज़ नहीं है ये, तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर पहली सर्विस पर हम लोग भगा देते हैं इसको 100 टच अगर कर देते हैं तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। सो न्यू इंजन में देखो ये वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी करनी सही नहीं है, तो जितना है उतना सफिशेंट है, अभी किलोमीटर भी ज़्यादा नहीं हुए हैं। मे बी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 665 किलोमीटर अभी समथिंग हुए हैं, तो आज मैंने इसलिए ही इसको थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे निकाला है कि भाई थोड़ा सा ये ज़्यादा चल जाएगी तो जितना जल्दी इसके किलोमीटर कवर्स हो जाएंगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और क्या ही ज़बरदस्त, मतलब यार मेरे अंदर ना वो एक एनर्जी है कि इसको भगाया जाए, इसको भगाया जाए, इसको मतलब उस लेवल पे चलाया जाए जिस लेवल के लिए बनी है बाइक और जिस लेवल के लिए ली है मैंने ये, तो वो मौका जल्द ही आएगा। और इसी वाले हाईवे पे हम लोग इसको मे बी जो उसकी जो टॉप स्पीड है ना गाइस वो एक बार टेस्ट ज़रूर करेंगे। सो 100% मैं इस चीज़ को करूँगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो बस देखो भाई ऐसा ही है। सारा ये हाईवे आपको दिख रहा है, ये सारा हाईवे बनता जा रहा है, तो पहले ये वाला हाईवे नहीं था इतना बढ़िया, पहले सिंगल लेन ही था ये, तो पहले होता क्या था कि आपको शहरों के अंदर अंदर से निकल के जाना पड़ता था। तो ये बेसिकली हाईवे आपको मुरादाबाद और जो नैनीताल वाला जो हाईवे निकल रहा है ना ये आपको वहाँ पे जोड़ देगा बरेली। एक जवाब देना लग जाती है कि भैया आप बस बहुत हो गया, तो वो वाली चीज़ देखो मेरे को इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। सो गाइज ओवरऑल लुक अपनी बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है यार, बहुत ही ज़्यादा उमदा। और जितना मैं कहूँ ना जितना पावर ये मैं से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना उससे कहीं गुना ज़्यादा ये पावर मेरे को देने वाली है गाइज। और बाकी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।